जुडिशरी का एग्जाम, इतने सारे स्टेट्स और हर स्टेट का अलग सिलेबस, क्या ये बात आपको परेशान कर रही है? तो परेशान मत होइए, हियर आई एम, माय नेम इज पूजा पांडे एंड आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ एलेक। आज मैं यहाँ आई हूँ हमारी सिलेबस एक्सप्लेनर सीरीज के साथ, और जो स्टेट आज मैं टेकअप करने वाली हूँ वो है हरियाणा। जब भी कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का एस्पिरेंट होता है तो उसके दिमाग में दो क्वेश्चन आते हैं कि उस एग्जाम का पैटर्न क्या होगा और उस एग्जाम का सिलेबस क्या होगा। अब जुडिशरी का एग्जाम स्टेट वाइज है, हर स्टेट का अलग सिलेबस है, अलग पैटर्न है, तो इसी क्वेरी को रिजॉल्व करने के लिए आई हैव कम अप विद दिस सीरीज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं स्टेजेस ऑफ एग्जाम की। जैसे कि जुडिशरी के सारे एग्जाम्स होते हैं, हरियाणा के एग्जाम भी तीन स्टेजेस में होता है। द फर्स्ट इज द प्रिलिमिनरी स्टेज, द सेकेंड इज द मेन्स एग्जामिनेशन, एंड द नेक्स्ट इज पर्सनल इंटरव्यू। अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारे स्टेजेस के पैटर्न और सिलेबस के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले आते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के पैटर्न के बारे में। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं हरियाणा के प्री में। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 125 होते हैं। एक क्वेश्चन आपको 4 मार्क दिलाएगा, और जो इसमें नोट करने वाली पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। तो आप कोई भी क्वेश्चन अगर गलत अटेम्प्ट करते हो तो आपका 0.8 का डिडक्शन होगा। तो अगर कोई भी डाउटफुल क्वेश्चन है तो प्लीज उसे अटेम्प्ट मत करिए, अदरवाइज आप मेरिट के बाहर हो जाओगे। ड्यूरेशन इज 2 आवर्स एंड टोटल मार्क्स इज 500। 125 क्वेश्चंस 4 मार्क्स, तो इट विल बी 500। सिलेबस इसका दो पार्ट में डिवाइडेड है, जनरल नॉलेज और लॉ। जैसे कि यूजुअली स्टेट्स मेंशन करते हैं कि कितने क्वेश्चंस आएंगे जनरल नॉलेज के, हरियाणा में ऐसा कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, बट यूजुअली 10 to 15 क्वेश्चंस आ जाते हैं। जो एरियाज हैं वो है करंट नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स, गवर्नेंस, एप्टीट्यूड भी आपका टेस्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस वैसे भी लीगल या लॉजिकल रीजनिंग पर आते हैं, और लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। फिर आते हैं लॉ के सिलेबस पे। लॉ का सिलेबस सेम है प्रिलिमिनरी और मेंस एग्जामिनेशन के लिए। इसको मैं इन डेप्थ डील करूंगी मेंस की स्लाइड में। अब आते हैं मेंस एग्जामिनेशन पे। सबसे पहले बात करते हैं मेंस एग्जामिनेशन के पैटर्न की। तो सबसे पहली चीज तो ये डिस्क्रिप्टिव नेचर का है। आपको एक आंसर शीट मिलेगी, आपको उसमें अपने आंसर्स लिखने होंगे। मीडियम इंग्लिश का है एक्सेप्ट लैंग्वेज पेपर, क्योंकि हिंदी का पेपर तो हम हिंदी में ही लिखेंगे। टोटल नंबर ऑफ पेपर 5 होंगे, 3 पेपर लॉ के होंगे और 2 पेपर लैंग्वेज के होंगे, एक इंग्लिश एक हिंदी। टोटल मार्क्स है 900, और ड्यूरेशन हर पेपर लिखने के लिए आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा। अब आते हैं पेपर्स पे। ये 5 पेपर है, ये पहले 3 लॉ के हैं, फिर 2 पेपर लैंग्वेज के हैं। अब इनको इन डिटेल डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आते हैं पेपर 1 पे। पेपर 1 हमारा सिविल लॉ का है। इसका सिलेबस प्रिलिमिनरी और मेंस एग्जामिनेशन के लिए सेम है। मेंस एग्जामिनेशन में पेपर 200 मार्क्स का होगा। पहला सब्जेक्ट है सीपीसी। इसमें मैंने लिखा है ऑल्सो टचिंग लिमिटेशन आर, क्योंकि कभी कभी सीपीसी के कुछ क्वेश्चंस लिमिटेशन के साथ मर्ज करके आते हैं, तो यू मस्ट प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। पंजाब कोर्ट्स एक्ट और हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन एक्ट, ये दोनों वहाँ के लोकल लॉज हैं, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप, सेल्स ऑफ गुड्स, SRA, एविडेंस, ये सारा कंप्राइज करता है हमारा सिविल पेपर 1। नाउ कमिंग टू पेपर 2, ये भी सिविल लॉ का पेपर है। अगेन ये 200 मार्क्स का है, और यहाँ पर भी सिलेबस प्री और मेन्स का सेम होगा। यहाँ पर हिंदू लॉ, ये सारे एरियाज हैं जो पूछे जाते हैं, मुस्लिम लॉ और कस्टमरी लॉ, इन शॉर्ट फैमिली लॉ, लॉ ऑफ रजिस्ट्रेशन और लॉ ऑफ लिमिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे पेपर 2 में। अब आते हैं पेपर 3 क्रिमिनल लॉ का। ये भी 200 मार्क का है। जैसे क्रिमिनल लॉ में ऑब्वियस ही बात है, इंडियन पिनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और इंडियन एविडेंस एक्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। नाउ कमिंग टू द लैंग्वेज पेपर 1, दैट इज पेपर 4 इंग्लिश का। ये 200 मार्क का होगा। उसमें इन एरिया से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसे ऐसे ट्रेडिशनल, स्टैटिक, करंट इशू, किसी से भी रिलेटेड हो सकता है। तो आप अपने को प्रिपेयर रखिए, उस अकॉर्डिंग टॉपिक आपको दिया रहेगा। प्रेसी राइटिंग, एक बड़े पैराग्राफ को आपको समराइज करना है शॉर्ट में। वर्ड्स एंड फ्रेजेस और करेक्शन करने को आएंगे। और आता है कॉम्प्रिहेंशन, एक पैसेज होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, और आपको उस पैसेज को पढ़कर उन क्वेश्चंस को अकॉर्डिंगली आंसर करना है। नाउ कमिंग टू पेपर 5 हिंदी, ये 100 मार्क्स का है। बाकी सारे पेपर 200 ईच के थे, ये 100 मार्क का है। तो टोटल 900 मार्क का मेंस होगा। इसमें भी ऐसे अगेन टॉपिक दिए रहेंगे, इडियम्स, करेक्शन, ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन ऑफ पैसेज, इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। नाउ कमिंग टू द थर्ड राउंड, दैट इज पर्सनल इंटरव्यू। ये 200 मार्क्स का होगा। ये ऐसा राउंड है जो स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा परेशान करता है। क्यों? क्योंकि अभी तक के जो पहले दो राउंड्स थे वो हमने अकेले दिए थे, यहाँ पर इंटरेक्शन होगा,
आपका पैनल के साथ जजेस होंगे, प्रोफेसर्स होंगे, कमीशन के मेंबर होंगे। तो एरियाज जो होते हैं वो जनरल इंटरेस्ट, सोशल इंटरेस्ट, जनरल आउटलुक किसी से भी हो सकता है। बेसिकली दे आर गोइंग टू टेस्ट योर कॉन्फिडेंस। जब मैं भी इंटरव्यू देने गई थी, मैं भी काफी टेंस थी, मुझे भी काफी एंजाइटी हो रही थी, बट वो भी आपको कंफर्टेबल फील कराते हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये राउंड भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा अगर आप इसको अच्छे से टैकल करते हैं तो। तो ये हो गया हरियाणा के सिलेबस के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके मुझसे पूछ सकते हो। और ये हमारे सारे प्लेटफॉर्म की डिटेल्स हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।